Hello everyone and welcome to the tutorial of economics. So I hope आप लोग अच्छे होंगे, मजा कर रहे होंगे, because मजा करना बहुत जरूरी है लाइफ में. आप थोड़ा सा याद कीजिए कब आप तो 2017 से 2019 में आए, तो पता नहीं चलेगा. तो इसलिए certainly we are the student of an economics and we are taught that proper utilization of resource. Certainly this is also a kind of resources, you can say that. तो simply आप इंजॉय कीजिए, रिसोर्सेज से रिलेट करना ज्यादा, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है या नहीं है, तो एकदम एक्सपीरियंस लेते चलिए लाइफ का भी. क्या जो आप हम लोगों का एज बढ़ते जा रहा है और हम लोग का अब फेज जो है सर्टेनली थोड़ा सा कब पार होगा पता भी नहीं चलेगा. तो जो ये टाइम मिल रहा है, मोमेंट मिल रहा है, वो वापस फिर से नहीं मिलने वाला है. तो मजा करते जाना है, एक्सपीरियंस लेते चलिए, थोड़ा सा अपना बेस्ट दीजिए. वन थिंग अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आप जो दोगे आपका फ्यूचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पोटेंशियल. पोटेंशियल को यूटिलाइज कीजिए 100% वे में, देन यू आर श्योरली, मीन्स आपका पोटेंशियल कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है. तो जितना आपका आप उसमें बेस्ट करो. एंड दिस इज नॉट लाइक अ मोटिवेशनल क्लास, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. इफ यू हैव सर्टेन पोटेंशियल देन यू ट्राई टू यूटिलाइज दोज पोटेंशियल until it's too late. और थोड़ा सा लाइफ को ईजी रखने का कोशिश कीजिए. बस देखिए यह सारा चीज आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो, बट उससे कुछ सीखना है और उसको अपने अकॉर्डिंग बनाने का कोशिश करना है. जैसे एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ के जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन मिलता है 20 मार्क्स का, अगर कुछ और मिला तो हम लोग ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर उसी मोमेंट में बनाने का, जो हम लोग पढ़े उस अकॉर्डिंग में आंसर देने का. मतलब सॉरी हम लोगों को आंसर नहीं पता है, बट हम लोग वहां पे खुद से क्रिएट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग. तो वही क्रिएट कीजिए, मोमेंट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, फिर भी आप क्रिएट करने का कोशिश करो. एंड आई होप यू गाइस विल क्रिएट, मींस यू गाइस विल डू दिस. तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो कि डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद देखे कि उसका अलग अलग कंपोनेंट क्या है, फिर हम लोग मूव किए थे और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलने का मतलब क्या है उसको मैंने समझाने का कोशिश किया था. थोड़ा सा आज फिर से रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए हम लोग रिकॉल करते हैं पहले के क्लास को. सो व्हाट वाज द व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिंपली अ अकाउंट, एक अकाउंट तरह का है जो कि आपका सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है. बट देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस, दिस अकाउंट इज नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल, दिस अकाउंट इज ऑफ एनी कंट्री एनी नेशन. जो एक कंट्री या फिर कोई एक इकोनॉमी उसको नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि वो लास्ट साल में देखे मेरा कंडीशन क्या है. सिंपली आप बोल सकते हो अपना फ्यूचर डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या कंडीशन है उसको देखने के लिए एक अकाउंट रिकॉर्ड करता है. अब बेसिकली एक अकाउंट है तो इसमें दो पोर्शन जो वो बनाता है, एक बनाता है एक्सपोर्ट वाला पोर्शन, एक बनाता है इंपोर्ट वाला पोर्शन. तो एक्सपोर्ट में वो क्या नोट करता है, जो अपने कंट्री से जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसके कंट्री में, और जिसके रिजल्ट के कारण वो एक्सपोर्ट कर रहा है टू एनी अदर कंट्री, वो उसको इस पोर्शन में मेंशन करेगा. और सारा कंट्री जो उस कंट्री में इंपोर्ट करेगा वो उसको भी मेंशन करेगा. तो लास्ट में वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली देखिए ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेंशन क्यों कर रहा है या फिर मेंटेन क्यों कर रहा है टाइम टू टाइम, बिकॉज इन द लास्ट वो डिसाइड करेगा. ये इंपोर्ट इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि जो हम लोग पेमेंट किए ऑटोनॉमस पेमेंट जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस पेमेंट, दैट इज वी आर डूइंग टू अदर कंट्री. इंपोर्ट में क्या होता है, जब कोई अदर कंट्री हमारे कंट्री में इंपोर्ट करता है सर्टेनली, तो एट दैट मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू पे इन आवर करेंसी. तो जब हम लोग अपने करेंसी में पे करते हैं तो इन कंपेरिजन टू दैट करेंसी
चाइना का अगर प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं अपने करेंसी में पे कर रहे हैं, तो चाइना का जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रहा है इन कंपैरिजन टू इंडियन करेंसी. सो दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव सिचुएशन बिकॉज वी आर पेइंग आवर करेंसी मीन्स इनडायरेक्टली वी आर सेंडिंग आवर करेंसी टू अदर कंट्री. बट ऑन द अदर हैंड वॉट हैपन्स विद एक्सपोर्ट वेन वी आर एक्सपोर्टिंग आवर कमोडिटी टू अदर कंट्री और इन अदर कंट्री देन सर्टेनली वेन दे आर कंज्यूमिंग आवर प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट और आवर करेंसी इज गोइंग टू बी स्ट्रांग इन कंपेरिजन टू देयर करेंसी. सपोज कीजिए हम नेपाल को कर रहे हैं तो नेपाल हम लोगों को इंडियन करेंसी में पे करेगा तो हम लोगों का करेंसी उसके करेंसी के तुलना में स्ट्रांग होगा एंड आई होप कि वहां का करेंसी भी शायद रुपया ही है. तो ये समझना जरूरी है कि एक्सपोर्ट आपको बता क्या रहा है इनडायरेक्टली, इम्पोर्ट आपको बता क्या रहा है इनडायरेक्टली. जब तक आप पूरे चैप्टर में जो मेन दो हीरो है वो इम्पोर्ट है या फिर एक्सपोर्ट है. हीरो आप बोल सकते हो, अब हीरो कौन है तो हीरो है वो है एक्सपोर्ट और विलन कौन है इम्पोर्ट. अगर इम्पोर्ट ज्यादा हो गया तो उस कंट्री का थोड़ा सा उसको बोला जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज इम्पोर्ट मतलब अपना करेंसी को ज्यादा जाने दिया दूसरे के कंट्री में. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ हीरो थोड़ा सा ताकत भर रहा तो वो कंट्री बोलेगा हाँ हम लोगों को बचाने के लिए बिकॉज हम लोग किसी से ले रहे हैं बट हम लोग किसी को पे नहीं कर रहे हैं. सो सर्टेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे अराइज होता है कैसे इसको सॉल्व किया जाए तो वो समझना जरूरी है. तो आई होप यू गाइस गॉट इट कि दो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जा रहा है वो एक एक्सपोर्ट के द्वारा वो एक इम्पोर्ट के द्वारा. एक्सपोर्ट क्या लीड कर रहा है, एक्सपोर्ट के कारण हम लोग रिसिप्ट हम लोग दूसरे से पेमेंट लेते हैं या रिसिप्ट लेते हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट जो हम लोगों को मिल रहा है. दूसरा है इम्पोर्ट, जब हम लोग इम्पोर्ट हमारे कंट्री में हो रहा है तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं सो वी आर पेइंग देम सो दैट इज ऑटोनॉमस पेमेंट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज इन द डेबिट फॉर्म बिकॉज वी आर पेइंग अनदर वन दैट इज दैट डजेंट बिलोंग्स टू आवर कंट्री. सो सर्टेनली दिस वॉज द बेसिक टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई होप कि आपको समझ में आया हो. अब थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम का मीनिंग समझते हैं. तो डिसइक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या कि जब मैंने आपको अभी बताया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, खुद आप सोचो कि जब एक्सपोर्ट बराबर इम्पोर्ट होगा इसका बोलने का मतलब क्या है. इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि हमारे कंट्री में जितना इम्पोर्ट हो रहा है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बोलेंगे, जितना ऑटोनॉमस पेमेंट हम लोग किए या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं डेबिट साइड जो था दैट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑटोनॉमस रिसिप्ट और क्रेडिट साइड ये दोनों बैलेंस है. फिर से एक बार समझिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कब बोला जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का बैलेंस है जब वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है. एक दूसरे के इक्वल है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑटोनॉमस रिसिप्ट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस पेमेंट दैट इज क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट. ओके सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम. अगर डिसइक्विलिब्रियम इसको बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट. इक्विलिब्रियम होता क्या, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो देन सर्टेनली यू वुड हैव स्टडी अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत सारा कंसेप्ट है. तो हम लोग साइंस अब छोड़ चुके हैं, चलिए वहीं तक रहिए आप. तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए, वो वहां पे सेफ फील कर रहा है, उससे ना वो आगे जाना चाहता है वो ना पीछे आना चाहता है. अब किसी भी कंट्री से पूछोगे तो वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आएगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए या इम्पोर्ट ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो सर्टेनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस. डिसइक्विलिब्रियम बोलने का सिंपल मतलब कि ऑटोनॉमस पेमेंट इज नॉट इक्वल टू ऑटोनॉमस रिसिप्ट. और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोर्ट इज नॉट इक्वल टू इम्पोर्ट. अब यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम के अंदर दो कंडीशन अराइज होता है. अगर आप सिंपली डिसइक्विलिब्रियम बोल रहे हो तो इसके अंदर दो सिचुएशन अराइज हो रहा है. एक सिचुएशन क्या है, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं
इंपोर्ट से। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इंपोर्ट को विलन कंसीडर किया जाता है, इसको हीरो। तो ये जब ज्यादा होगा इसके इंपोर्ट से तो इसको क्या बोला जाएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से तो विलन स्ट्रांग है तो उसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल, क्योंकि वो मार देने जा रहा है जितना भी आदमी है वहां का। तो इसको थोड़ा सा इस टर्म में समझिए एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे विलन और हीरो क्यों मैं यूज कर रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो व्हाट इज सिंपली द मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इंपोर्ट इज नॉट इक्वल टू एक्सपोर्ट। इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज एन अनबैलेंस मींस नॉट फेवरेबल सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। इफ एक्सपोर्ट is greater than import then that situation is referred as a balance or equilibrium balance of payment। ठीक है, this was the simplest meaning। और इतना मैंने सिर्फ आपके लिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए, आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। आ गया, तो चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कि causes of disequilibrium, ये जो disequilibrium create हो रहा है वो किस reason से create हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ reason मैंने basic reason लिखा है और जो आपको exam में explain करना है, यहाँ पे point मैंने लिखा है, आप उस point को help लेके उस point का help लेके आपको explain करना है exam में, because you are going to write the answer for 20 marks there। So you should be planned according to the how to get maximum marks there, not to so that I have enough knowledge। ठीक है, तो ये सब यूटिलाइज करना, जितना पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वहां पे आपको लिखना है, इसलिए मैं आप इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको पॉइंट हर एक में बता रहा हूँ। सो सबसे पहले देखिए टेम्प्रोरी चेंजेस। टेम्प्रोरी चेंजेस मीन्स हो सकता है कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा टाइम के लिए हुआ है। सो थोड़ा सा टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है ये साल के लिए डिसइक्विलिब्रियम मेरा ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बट नेक्स्ट ईयर जो है दोनों बैलेंस हो जाएगा, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, तो सारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अगर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं टेम्प्रोरी चेंजेस। ड्यू टू टेम्प्रोरी चेंजेस दिस डिसइक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड। नाउ व्हाट आर दोज टेम्प्रोरी चेंजेस ड्यू टू विच दिस डिसइक्विलिब्रियम इज कॉजेस फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। इट मे बी सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन में इस बार नहीं ही हुआ बारिश, या फिर कुछ ऐसा आ गया जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो सीजनल फ्लक्चुएशन के लिए इस साल मेरा सीजन सही नहीं रहा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा जो कि प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर पाए, तो क्या होगा, नहीं अच्छा गया, बट नेक्स्ट ईयर अच्छा जाएगा अगर सीजन फिर से वापस आ जाए। तो हो सकता है इट मे बी सीजनल फ्लक्चुएशन और इफेक्ट ऑफ वेदर वेरिएशन इन ट्रेड। सो दीज आर द बेसिक चेंज, दीज आर द बेसिक causes due to which the disequilibrium is unfavorable, but the main thing that we need to remember here is that this is only for short time period. After short time periods these changes are thought to correct itself, इसमें अपने आप सुधार आ जाएगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो आपको टेम्पररी चेंज का पहले मीनिंग समझाना है कि disequilibrium is created only for short time period and the reason due to which this disequilibrium may be created in the balance of payment are following। पहला reason देना seasonal fluctuation। अब आप इसको भी explain करो, variation in trade उसको भी explain करो कि trade में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो उसके कारण से trade means नहीं favorable जा रहा है। Effect of weather उसको explain करो कि weather इस बार सही नहीं रहा। तो these are the reason basically। अब आते हैं fundamental disequilibrium, ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसका एक दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए एज एन स्टूडेंट। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम को बोला जाता है परसिस्टेंट एंड लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो। अगर फेवरेबल है तो लॉन्ग रन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा, अगर अनफेवरेबल है तो लॉन्ग रन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लुक आउट हियर इज परसिस्टेंट एंड लॉन्ग रन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो लॉन्ग रन में रहे। मीन्स अगर ये साल मेरा अनफेवरेबल है, अगले साल भी अनफेवरेबल है, फिर अनफेवरेबल, फिर अनफेवरेबल, अगर ऐसा चल रहा है तो उसको बोला जाता है फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। इसको IMF के द्वारा बोला गया है क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स जो पहले से जन्मजात वैसा ही है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बेचारा जन्म से ही है, तो इसलिए क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज किया जाता है, IMF इसको बोलता है, जहां पे ऐसा कंडीशन हो जहां पे कंटिन्यूटी चल रहा है। ठीक है,
अब ये जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ ये बेसिकली किस किस रीजन से हो सकता है वो देखिए। हो सकता है एकाएक मन बदल गया सारा कंज्यूमर जो उस कंट्री में रह रहा है कि नहीं मेरे कम मैं यहाँ पे जो यहाँ इस कंट्री का प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई है, उसका 2 रुपया है, इसका 10 है, तो हम 2 वाला क्यों नहीं लेंगे। तो सारा का मन चेंज हो गया। जैसे ही सारा का मन चेंज हुआ बेचारा जो प्रोड्यूस कर रहा था वो इतना अंदर उतना घाटा में चला गया कि वो कवर अप नहीं कर पा रहा, वो इकोनॉमी कवर ही नहीं कर पा रहा। उसको वो प्रमोट करने के लिए दे रहा है कि नहीं उस पर टैक्स लगा रहा, फिर भी उसको टैक्स लगाया तो 2 रुपये से बढ़ के 6 रुपया हो गया, फिर भी उसको खरीद रहे हैं आदमी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, लगातार चल रहा है तो इसके कारण वो लगातार मेंटेन रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर पहले अनफेवरेबल था तो अभी भी अनफेवरेबल, अगर फेवरेबल था तो अभी भी फेवरेबल, ठीक है। तो हो सकता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ड्यू टू इम्पोर्ट, इतना ज्यादा इम्पोर्ट पे छूट दे दिया होगा कोई भी कंट्री या फिर कोई भी गवर्नमेंट कि अब इतना इम्पोर्ट आ गया है कि सारा उसी को परचेज। इनडायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट वह है, मीन्स अगर डोमेस्टिक वाला का 10 है उसका 2 है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रेफर दैट। तो इम्पोर्ट के कारण सारा रुपया बाहर चला जा रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, दिस मीन दैट वी आर गोइंग टू परचेज द इम्पोर्टेड कमोडिटी, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज द इम्पोर्टेड कमोडिटी दिस मीन दैट वी आर आवर कैपिटल इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री। फिर है लो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कंपटीशन फेस करे, जैसे इंपोर्ट वाला आया वो सब दब गए तो दबे तो अब क्या है, वो लोग राज कर रहा है, अब राज कर ही रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यहाँ पे जो याद रखना है वो टेम्प्रोरी था, ये परसिस्टेंट है, वो चलेगा थोड़ा सा कितना अब उसके अकॉर्डिंग है। अब तीसरा रीजन क्या है डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होने का, हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज बोलने का मतलब क्या कि हो सकता है टेक्नोलॉजी हम लोग न्यू अडॉप्ट किए हो या पुराना अडॉप्ट किए हो या दूसरे पे मूव कर दिए, तो प्रोडक्शन जिसमें पहले हो रहा था अब उससे थोड़ा सा मूव कर दिया, अब इफिशियंट वे में प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज कर लिए प्रोडक्शन का तो उसके कारण ये क्रिएट हो सकता है। इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन या फिर कुछ दूसरा जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, ये सब इसमें आ जाएगा जहां पे स्ट्रक्चरल चेंज के कारण डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है, ये भी लॉन्ग रन के लिए रहता है। सो दीज आर द बेसिक कॉज दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो चलिए अब कुछ और रीजन देखते हैं जिसके कारण से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है किसी इकोनॉमी का या फिर किसी भी कंट्री का। तो हो सकता है चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो इसमें क्या ये हो सकता है कि मेरा करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, या फिर मेरा कंट्री जो है वो वीक हो रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। इसको वर्क ये जो स्ट्रांग और वीक है इसको एक प्रॉपर इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोला जाता है अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी एंड अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। तो जब अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होता है, अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन इज वेरी मीन्स यू नीड टू नो द बेसिक थिंग फर्स्ट, अप्रिशिएशन एंड अबाउट डेप्रिशिएशन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे दो टर्म जो आता है वो आता है क्या क्या, अभी मैंने आपको बताया था अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन यहाँ पे मैटर बहुत करता है, आपको थोड़ा सा ये समझना होगा अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन। तो ये आप किसके लिए लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है कि अप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर कोई फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा मतलब स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब क्या, डेप्रिशिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी, वो वीक हो रहा है। तो जब अप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब वो $1 इज इक्वल टू पहले सपोज कीजिए 70 था, अभी $1 इज इक्वल टू 72। आई होप कि 72 तो पार कर गया होगा, लास्ट मंथ ही था। तो ऐसा जब हो कि पहले 70 था और अब 72 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले $1 70 को मनाने के लिए हम 70 आदमी मतलब वहां पे भेजते थे कि चलिए आप 70 आदमी को रख लीजिए, अब मेरे को 72 आदमी भेज रहा है, मतलब अल्टीमेटली अगर 100 आदमी है तो मेरे को ज्यादा अब उसमें खर्चा हो रहा है क्योंकि मनी सप्लाई आप जानते हो कि फिक्स होता है किसी भी इकोनॉमी में।
या फिर उसको थोड़ा सा हटाइए, मनी सप्लाई से लिंक मत कीजिए, सिंपल वर्ड में समझिए कि अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और मजबूत होते जा रहा है, तो इसलिए बोला जा रहा है अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। और हम लोग वीक होते जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा आदमी अपना भेजते जा रहे हैं उसको उसका सेवा करने के लिए, तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये जब होता है तो इसमें इस केस में क्या होता है, इम्पोर्ट जो है महंगा होता है और एक्सपोर्ट सस्ता होता है। अब ये थोड़ा सा और कंसेप्ट वाला बात है, ये आपको किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि टाइम ऐसे ही 19-20 मिनट हो गया होगा, पता नहीं 19 या 20 कितना हुआ है। तो जल्दी से पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं एटलीस्ट आज। तो इंपोर्ट क्या होता है, डियरर होता है महंगा, और एक्सपोर्ट चीपर होता है। तो एज एन रिजल्ट क्या होगा, अब एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, फेवरेबल होता जाएगा। तो हो सकता है इस रीजन से हो, या फिर जस्ट अपोजिट केस लेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो हो सकता है उसके कारण से फिर वीक होता जाए। तो रीजन क्या आ रहा है, एक्सचेंज रेट, यहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आने के कारण या फिर चेंज आने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंज आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल भी हो रहा है, अनफेवरेबल भी हो रहा है। अगर एप्रिसिएशन ऑफ मीन्स हमारे कंट्री का डेप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तब यहाँ पे होगा, मतलब एक्सपोर्ट फेवरेबल होगा वो। बट अगर एप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी, देन जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो थोड़ा सा बोलेगा नहीं भाई अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, वो वीक होते जाएगा, मीन्स कंडीशन अनफेवरेबल होते जाएगा। तो रीजन क्या है, बेसिक रीजन है, हो सकता है चेंज इन एक्सचेंज रेट के कारण हो। दूसरा क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन नेशनल इनकम मीन्स आय बढ़ रहा है या फिर ज्यादा। नेशनल इनकम तो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको कभी उसको समझिएगा। नेशनल इनकम बोलने का मतलब, अभी ऐसा मान लीजिए कि आय बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, नेशनल इनकम डजंट मीन आय, बट ऐसा मान लिए कि उस नेशन का आय बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब क्या, वहां पे जो रह रहा है उसका आय बढ़ रहा है। तो आय बढ़ रहा है उसके कारण अब क्या है, वो जो इम्पोर्ट किया जा रहा है उस कंट्री में उसको परचेज कर पा रहा है। बट अगर नेशनल इनकम लो हो तो क्या होगा, परचेज नहीं कर पाएगा, आय कम हो और अगर ज्यादा पे करना पड़े तो वो परचेज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल इनकम भी रोल प्ले कर रहा है कि नेशनल इनकम में कैसा चेंज आ रहा है, वैसा चेंज के अकॉर्डिंग डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन कोई गवर्नमेंट अब बोलता है हम चाइना को आने ही नहीं देंगे अपना कंट्री में, उस पर अच्छा आएगा तो आप लोग टैरिफ लगा लो 20% का, मतलब आप उस पर 200% ऐसे करके टैरिफ लगा देना है, तो वो कंट्री क्या कहेगा, चलो हम तेरे में करेंगे ही नहीं एक्सपोर्ट, एज एन रिजल्ट वो भी अपने कंट्री में लगा देगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का दूसरा पोर्शन है हम लोग जो पढ़ चुके हैं। बट पॉलिटिकल कंडीशन बोलने का मतलब कि वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। वो अगर एक्सपोर्ट फेवरेबल है कि उसको सब्सिडी दे रहा है एक्सपोर्ट वाले सेक्टर को, देन सर्टेनली द एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विल इंक्रीज देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी फेवरेबल। बट ऑन द अदर हैंड आप जानते होंगे जब डिमोनेटाइजेशन लगा था तो सर्टेनली अदर एक्सपोर्टर यहाँ पे कम कर दिए थे अपना, मीन्स FDI सब सारा घट गया था। तो ये क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना था वो घट गया क्योंकि सिचुएशन थोड़ा अनफेवरेबल क्रिएट हो गया। बट क्यों हुआ, तो पॉलिटिक्स के कारण। तो ये भी मैटर करता है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, वो किसको फेवर कर रहा है, इम्पोर्ट को फेवर कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट को फेवर कर रहा है। इम्पोर्ट को फेवर करेगा ज्यादा इम्पोर्ट होगा, इन द सेंस धीरे धीरे हम लोग का कैपिटल बाहर जाते जाएगा और हम लोग कंगाल होते जाएंगे, ठीक है। बट वही अगर एक्सपोर्ट को फेवर करेगा तो हम लोग को कंट्री में धीरे धीरे आते जाएगा, हम लोग बाहर वाले कंट्री को भेजेंगे जैसे ही वो खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आते जाएगा और थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते जाएंगे हम। अब लास्ट में कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, आपको बुक में लिखा मिलेगा, और एक आता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। तो बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी रहेगा जब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट मीन्स वर्ल्ड आई और डोमेस्टिक आई इक्वल है। बट अगर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो आदमी लोग क्या चाहेगा, दूसरे बैंक में अपना वहां पे जमा करना चाहेगा क्योंकि सर्टेनली दे आर गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्ट ओवर देयर। बट इफ द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट विल बी मोर देन सर्टेनली ऑल द मनी व्हिच इज डिपॉजिटेड इन अदर और वर्ल्ड बैंक
So that money will be transferred in our bank. So certainly the condition can be changed actually. तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कैसे इसको ठीक किया जाए तो उसमें आता है. बट अभी बेसिक ये समझना, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, ये एक रोल प्ले कर रहा है क्या, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया कैपिटल मूवमेंट. अगर दूसरे कंट्री में कैपिटल हम लोग का फ्लो कर रहा है तो ये रीजन कुछ भी हो सकता है, इम्पोर्ट के कारण कुछ भी रीजन हो सकता है. बट बेसिक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके समझिए कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम लोग कैपिटल उस कंट्री में, तो कैपिटल हम लोग का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा जो कि अनफेवरेबल होगा. बट हम लोगों का ज्यादा है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट तो बाहर वाला आदमी भी यहाँ जमा करवाएगा तो क्या कैपिटल इनवर्ड फ्लो हो रहा है तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा. तो सर्टेनली आज यहीं तक समझते हैं और यहीं तक रहने देते हैं. सो मैंने सोचा था आज कॉजेस के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे इसको ठीक करना है, बट आज ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया 20 मिनट और क्वाइट रियली डिफिकल्ट होता है. हर बार कोशिश करता हूँ, मेरा आज ये मोटिव था कि आज खत्म कर देना बट पता नहीं ये नहीं हो पाता है. बट बड़े बड़े टीचर कर देते हैं तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कैसे करते हैं, तो हो सकता है एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा हो, स्टूडेंट भी समझ जाते हैं तो, और मेरे पास इतना नहीं है कि शॉर्ट में जल्दी से आपको निकाल दूं या फिर मैं थोड़ा सा पॉइंट से भी हट जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है. बट मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको जैसे समझ में आए उस लैंग्वेज में समझाऊं, अपना बेस्ट दूं. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा होगा. सो दीज वेर द रीजन ड्यू टू विच डिसइक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड, दैट डिसइक्विलिब्रियम मे बी फेवरेबल और दैट डिसइक्विलिब्रियम मे बी इनफेवरेबल. ओके, तो ये सब बेसिक रीजन है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो लगेगा उसी में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी देखेंगे. तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं. आई होप यू गाइस गॉट इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.